दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा हुआ है। कल और अब हमने और आपने दिवाली मनाई है और इसी दिवाली के बाद जब अगली सुबह यानी कि आज की सुबह हुई तो आसपास हमने धुंध की चादर को देखा है। सांस लेने में बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत से लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश हो रही है और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है छोटे बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और उन लोगों के लिए जो कि अस्थमेटिक है। बड़ी खबर ये कि दिल्ली एनसीआर में ये प्रदूषण सबसे ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। दिल्ली में एक लेवल 323 तक पहुंच चुका है। नोएडा में AQI का लेवल है 342 पर। आप समझिए कि दिल्ली एनसीआर में जो रहने वाले लोग हैं एक तरीके से दम घोटू वातावरण में वो सांस लेने के लिए मजबूर हैं। इसी जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे ये जहर आपके और हमारे फेफड़ों तक पहुंच रहा है, आपके और हमारे सांसों के जरिए हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा प्रदूषित होना मतलब ये खतरे की घंटी है। हालांकि जगह जगह इस प्रदूषण से निपटने के इंतजाम भी नजर आए। सुबह ऑफिस आते हुए कई जगह वाटर स्प्रे के जरिए पोल्यूशन कम करने की कोशिश नजर आ रही थी। हालांकि ये 6 तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं आज की सुबह कैसे लोगों को परेशान कर रही है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर के लोगों को। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए हवा बेहद ज्यादा जहरीली है, प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, सांसों में अब धीरे धीरे ये जहर घुल रहा है क्योंकि मजबूरी है, आप इसी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। प्रदूषण का स्तर 10 से 15 गुना और ज्यादा बढ़ गया है, जो कि कल परसों तक उतना ज्यादा खराब थी नहीं हवा। दिल्ली में अब दम घुट रहा है और स्मॉग के बीच में सांस लेना, जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सांस लेने में तकलीफ बहुत से लोगों को महसूस हो रही है, इसीलिए प्रदूषण से प्रोटेक्ट करने वाले मास्क का इस्तेमाल हमें करना है और साथ ही साथ वो तमाम इंतजाम अपनाने हैं जिससे कि प्रदूषण से छुटकारा पाया जा सके। चाहे वो अपने घरों में आप ऐसे प्लांट्स लगाइए जो ऑक्सीजन जनरेट करते हों, या फिर आप काढ़ा बना सकते हैं, गुड़ से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं, गुड़ से बना हुआ काढ़ा, हल्दी का इस्तेमाल करें जो कि प्रदूषण से आपको काफी हद तक बचाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो ये कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको इसी जहरीली हवा में सांस लेना है। हो सकता है कि घर में एयर प्योरीफायर आप लगवा लें और उसके जरिए आप घर के अंदर यानी कि चार दीवारी के अंदर थोड़ी राहत जरूर महसूस कर लें, लेकिन घर के बाहर का वातावरण जानलेवा है, खतरनाक है और ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जो पहले ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। घर के बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, घर के बुजुर्गों को बाहर जाने से उन्हें रोकना है। घर के बाहर प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हालांकि हवा है हर जगह पहुंचती है तो आपके घर के अंदर तक ये जहरीली हवा दाखिल हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल खतरे के निशान को पार कर चुका है। बेहद ज्यादा जहरीली हवा में आप और हम सांस ले रहे हैं और ये प्रदूषण अगर इसी तरीके से बढ़ा तो फिर आने वाले कुछ दिन तक तो राहत मिलने के आसार है नहीं, क्योंकि अभी न तो तेज हवा चल रही है और न ही बारिश के कोई आसार हैं। ऐसे स्मॉग की चादर अगर पसरी हो चारों तरफ तो तेज हवा के चलते इससे छुटकारा मिल सकता है, या फिर अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो फिर ये धूल के कण, ये जो प्रदूषण के कण हैं, ये धरती पर आकर बैठ सकते हैं। लेकिन उससे पहले तो कोई राहत के आसार है नहीं और अभी दूर दूर तक ऐसे आसार मौसम विभाग कह रहा है कि नहीं होने वाले हैं। इसीलिए अलग 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 तरीके से इस प्रदूषण से निजात पाने के इंतजाम दिखाई देंगे। और दिल्ली में जो आनंद विहार है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित रहता है। हाँ, इंडिया न्यूज संवाददाता अलग अलग जगह इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण उन्हें भी परेशान कर रहा है, आपको और हमें जिस तरह की दिक्कत हो रही है। सीनियर कुलीग जतिन गोस्वामी जो कि दिल्ली से रिपोर्ट हम तक पहुंचाएंगे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आज सुबह जब आप घर से निकले क्या आपने महसूस किया, कल परसों से लेकर आज तक क्या बदलाव आपने महसूस किया? हालांकि अच्छा है कि आपने मास्क लगाया हुआ है। देखिए रजना जी, जरूरत पड़ गई इस मास्क की, ऐसा लग रहा है दोबारा, क्योंकि दम घोटू हवा है। और मैं आपको बता दूं कि देश की राजधानी के सबसे पॉल्यूटेड इलाके में मौजूद हूं, जिसका आप जिक्र कर रही थी रचना जी, आनंद विहार का ये इलाका है। सामने देखिए आनंद विहार टर्मिनल है, बीच में अगर इस हिस्से को दिखाएं तो यहां पर आपको रोड नजर आएगा और भीड़भाड़ काफी ज्यादा जो है वो इस इलाके में नजर आएगी। मैं दिलीप को कहूंगा कैमरा पैन करें, राइट साइड को पैन करें और सामने कौशाम्बी की इमारतें दिखाने की कोशिश करें जो आपको यहां से धुंधली नजर आएंगी। और ये धुंधलापन सुबह के समय महसूस हुआ और इनहेल जब मैं कर रहा था, जब सांस लेते वक्त मैं महसूस कर रहा था तो काफी मुश्किल आ रही थी। लोगों से भी हमने यहाँ बात की है, लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है। पिछले 2 से 3 दिनों की बात करें तो ऐसा लगता है देश की राजधानी के इस हिस्से का पॉल्यूशन 10 गुना तक बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं रचना जी, ओवरऑल
तो वो जो है 323 को पार कर गई थी सुबह के वक्त। और अगर हम इस इलाके की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 है, रेड जोन में है। इसे सीधे साफ शब्दों में, सामान्य शब्दों में समझें तो अगर इस इलाके में आप आधे घंटे से ज्यादा लगभग मौजूद रहते हैं तो खांसी और खराश जैसी जो मुश्किल है, समस्या है, उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। और इसीलिए ये मास्क बेहद जरूरी है और इसीलिए मैंने भी ये मास्क पहना। इलाका देखिए आप, जिस तरह से भीड़भाड़ है और इस इलाके में लोग आवाजाही जो है काफी ज्यादा भारी संख्या में करते हैं और उन लोगों को भी इसी तरह की तकलीफ से दो चार जो है वो होना पड़ रहा है। देखिए आपको एक बुजुर्ग मैं दिखाता हूँ, उन्होंने भी मास्क पहना हुआ है। सर क्या कुछ महसूस हो रहा है समय आंखों में? आपके मुझे दिख रहा है कि थोड़ी नमी सी है, क्या वजह है इसकी? इन्फेक्शन हो रहा है, धूल मिट्टी का। धूल मिट्टी यानी पॉल्यूशन बढ़ा है काफी। हाँ जी। किस तरह से खुद को जो है इससे बचा रहे हैं? मास्क तो आपने पहना ही हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं रात की ड्यूटी करके आया हूँ, इसलिए भी हो सकता है रात में जगह हूँ। खांसी खराश ये सभी चीजें भी इस समय महसूस हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए लोगों को खांसी खराश ये सब महसूस हो रहा है और आनंद विहार राजधानी दिल्ली का सबसे पॉल्यूटेड इलाका हमने पिछले सालों में भी देखा है। लेकिन एक बात जो मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी राहत जो है वो ये है कि पिछले सालों की तुलना में दिवाली की जो अगली सुबह होती थी उसकी तुलना में अगर देखें तो प्रदूषण का लेवल कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आसानी से इस हवा में सांस ले पाएंगे। दरअसल ये हवा दमघोटू है और पिछले कई दिनों से इसको लेकर प्रयास भी सरकारें कर रही थी कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कम किया जाए। हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीआर की अब बात कर लेते हैं। नोएडा से हमारे संवाददाता महेंद्र माही हमारे साथ मौजूद है। नोएडा का सूरत हाल वो बताएंगे कि कल से लेकर आज तक जो तस्वीर है वो किस तरह से बदली है, क्या लोगों को तकलीफ हो रही है और क्योंकि एनसीआर में भी प्रदूषण बढ़ने की खबरें हैं। महेंद्र आप बताइए इस समय नोएडा का क्या हाल है, तस्वीरें आप दिखा पाएं जहां तक दिखा पाएं और किस तरह से उसको आप विस्तृत रूप से बता पाएं वो आप बताइए महेंद्र। पिछले साल की बात करें कि जो पॉल्यूशन था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता, मगर इस साल की बात करें तो हमें राहत मिली है। अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में इस टाइम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 252 है, तो कहीं ना कहीं हमको राहत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम पिछले साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो जो नोएडा था देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना जाता था, मगर इस बार जो पुलिस की सख्ताई थी पटाखों को लेकर तमाम जगह छापेमारी की गई, तमाम जगह रोक लगाई गई, जिसके बाद इस टाइम जो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 292 पहुंच चुका है। जो सुबह की बात करें तो सुबह ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 280 था, मगर देखिए इस टाइम जो मौसम है वो हवा चल रही है जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो बिल्कुल यहां से जा चुका है। और बात करें अन्य राज्यों की तो यहां सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है वो हरियाणा और पंजाब का पड़ता है। बताया जाता है कि जब पराली वहां जलती है तो सबसे असर नोएडा पर पड़ता है। अगर यहां क्योंकि नोएडा एक हाईटेक सिटी है मगर इससे जुड़ा एक जो ग्रेटर नोएडा जो दादरी है वहां लोग जो किसान हैं वो पराली जलाते हैं, तो उनकी समस्या की वजह से भी जो हमारा एयर होता है वो पॉल्यूटेड होता है। मगर बात करें कल दिवाली की, दिवाली में जिस तरीके से पिछले साल पटाखे जलाए गए थे मगर इस साल नहीं जलाए गए, लोगों के अंदर एक जागरूकता थी कि पटाखे नहीं जलाएंगे, मगर आज सुबह जब हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स दिया देखा तो पिछले साल के मुताबिक यहाँ बहुत कम था। हमने लोगों से बातचीत करने की तो उन्होंने कहा कि भाई पिछले साल ज्यादा था मगर इस साल ठीक है। तो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मौसम है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा होगा आपको, हरे भरे पेड़ दिख रहे होंगे, तो इससे साबित होता है कि जिस तरीके से जो एयर पॉल्यूशन है वो इस टाइम नहीं है नोएडा में। मगर हाँ ये भी नहीं कहेंगे तो एयर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, 292 जो कि बहुत ही खतरनाक श्रेणी में होता है। तो कुल मिलाकर इस बार जो नोएडा की स्थिति है पिछले साल के मुकाबले मतलब कम है, क्योंकि हमने पिछले साल देखा था जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था हमारा नोएडा का कभी 400 पहुंच जाता था, कभी 500 पहुंच जाता था, तो ये बस से बदतर होता था। मगर इसके बाद जो नोएडा प्राधिकरण उसकी भी पूरी तैयारी, स्मोक गन लगाए गए हैं 40 जगह पर, ऐसे स्मोक गन लगाए गए हैं जहां धूल और डस्ट के पार्टिकल उड़ते थे जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती थी, आंखों में जलन होता था। ठीक है, तो हमने लगातार नोएडा एनसीआर की बात की, जो हमारे सीनियर रिपोर्टर जतिन ने दिल्ली का हालचाल बताया था वही नोएडा का। तो अब हम सीधा पहुंचेंगे मेरठ से, हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता उनसे पूछेंगे कि मेरठ का क्या हालचाल है। जी पंकज जी बिल्कुल, पिछले 3 दिनों में जो मेरठ है वो देश के सबसे नंबर 1 यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि जो मेरठ है उसमें 3 दिन से लगातार सबसे ज्यादा प्रदूषण। और क्यों मेरठ में क्यों होना प्रदूषण? क्योंकि जो दशहरा है उसके बाद से जो मेरठ के
की बात करें तो कुल्लू की बात करें, केलेसरों की बात करें और मिलों की बात करें तो उनकी सफाई हुई है, उसके बाद वे चले हैं तो उससे प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ा है। उसके बाद कल दिवाली थी, उसके बाद है मेरठ में, हालांकि जो पटाखे थे वो प्रतिबंधित किए गए थे लेकिन उसके बाद भी जो है वो आतिशबाजी जरूर की गई है। जो मेरठ का जो प्रदूषण के जो हम स्तर की बात करें तो जो मेरठ का प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरे से जो है वो ऊपर पहुंच चुका है। जी तो पंकज बता रहे थे मेरठ का हाल और महेंद्र बता रहे थे नोएडा का हाल। आपने राजधानी दिल्ली का हाल देखा, आपने एनसीआर का हाल देखा, आपने एनसीआर से थोड़ा दूरी पर जाते हैं मेरठ का हाल देखा, लेकिन राजधानी दिल्ली किस तरह से प्रदूषित हो रही है और किस तरह से मुश्किल हालात बढ़ रहे हैं वो लगातार हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों और देश की राजधानी से मुख्य रूप से दिखा रहे हैं। आप देखिए भीड़भाड़ वाला इलाका है आनंद विहार, और बल्कि इस तरह के कई इलाके राजधानी दिल्ली में हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। हालांकि देखिए हम बार बार ये बता रहे हैं कि इस बार की दिवाली थोड़ी सी राहत लेकर जरूर आई है अगर तुलना में हम बात करते हैं, क्योंकि तुलना अगर देखते हैं आनंद विहार की तो पिछले साल जब मैं यहीं से रिपोर्ट कर रहा था दिवाली के अगले दिन तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 को पार कर गया था। ये धुंधलापन जो है वो कंपैरिजन अगर तुलना में देखें तो काफी ज्यादा था। हालांकि धुंधलापन अभी भी है, दमघोटू हवा अभी भी है, लेकिन जो खतरा पिछले साल था उसके मुकाबले खतरा थोड़ा कम हुआ है। और लेकिन ये बात करें एक आकलन के मुताबिक पिछले 2 से 3 दिनों में जो प्रदूषण का स्तर है वो 10 गुना तक बढ़ गया है, और इसीलिए ये जो इमारतें हैं ये आपको धुंधली दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। मतलब साफ तौर पर कहें कि अब ये नजर आनी बंद हो गई है। आने वाले दिनों में कोहरा बढ़ेगा, उसकी वजह से हालात और बद से बदतर जो है विजिबिलिटी के हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी पर जो असर पड़ता है वो काफी मुश्किल हालात लेकर आता है। मेरे ठीक पीछे अगर दिलीप एक बार कोशिश करें दिखाने की, तो बार बार हम दिखाते हैं कि लोग जो हैं वो किस तरह की समस्या से दो चार जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं, बात जरूर करते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आनंद विहार में आप मौजूद हैं, ये बताइए कि जो धूल और धुआं जो बढ़ा है हाल फिलहाल में उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ा है इससे? धूल जो बढ़ रही है, ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है जी। तो मास्क आप लगाइए फिर उसके बाद, और क्या उपाय कोशिश करेंगे? लगाएंगे मास्क। यस। तो देखिए लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो किस तरह की परेशानी से दो चार हो रहे हैं वो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक तस्वीर यहाँ से मैं दिलीप को कहूंगा वो सामने दिखाएं। सामने से मेट्रो जो ट्रेन है वो आ रही है और आपको वो क्लियर नजर नहीं आएगी, और इसका कारण यही है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। हालांकि देखिए एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक पिछले 10 सालों में दिवाली के मौके पर जो आग का आंकड़ा है ना उसकी हम बात कर लेते हैं। आग लगने की वजह से भी जो धुआं उठता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। 2021 के मुकाबले 2022 में 49 जगहों पर दिल्ली में आग की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। 200 से ज्यादा घटनाएं जो हैं वो आग लगने की हुई हैं, और ये आप समझ सकते हैं कि जो धुंधलापन है वो बढ़ रहा है। हम ये सुन लेते हैं कि राजधानी दिल्ली और दूसरे हिस्सों में जो लोग हैं उनका क्या कहना है, किस तरह की तकलीफ का वो सामना कर रहे हैं और क्या वो कह रहे हैं। आइए सुन लेते हैं लोगों का क्या कहना है। बहुत दिक्कत आ रही है, मैं घूम रहा हूँ, सुबह वॉक कर रहा हूँ तो मेरा सांस फूल रहा है, और प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सर लास्ट 3-4 साल के हिसाब से देखा जाए तो बेटर फील हो रहा है, और इसी वजह से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ लोधी गार्डन। नहीं तो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि दिवाली जाए और 3-4 दिन तक हम घर से बाहर वॉक करने के बारे में सोचे भी, तो कुछ बेटर फील हो रहा है इसलिए आए हैं यहाँ पे आज। ज्यादा नहीं है पॉल्यूशन, ठीक है पहले से, ज्यादा पॉल्यूशन तो है नहीं, आप ही देख रहे होंगे विजिबिलिटी अच्छी है, साफ दिख रहा है सब जगह। बीच में बारिश हुई उससे भी पॉल्यूशन कम हुआ, कुछ पटाखों में बैन लगा तो उससे भी पॉल्यूशन में थोड़ा कमी आई है। इस बार पहले से मच बेटर है क्योंकि फायरवर्क्स कम जला है और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन पहले से बेटर है। देखिए जो हालात हैं पूरे साल बिना क्रैकर्स के पॉल्यूशन लेवल इस साल कम नहीं हुआ, तो ये थोड़ी सी बड़ी अजीब चीज लगती है कि बिना क्रैकर के भी पोल्यूशन लेवल इतना हाई है जो पूरा साल भी रहा और अब भी बढ़ेगा, क्योंकि सर्दियों में ह्यूमिडिटी हो जाती है तो सस्पेंडेड पार्टिकुलर जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, तो थोड़े बहुत पटाखे तो मेरे को लगता चलेंगे क्योंकि लोग जो हैं नहीं रुकेंगे,
ब्लैंकेट बैन करने के बावजूद भी पटाखे आज भी चल रहे हैं, तो पोल्यूशन बढ़ेगा तो जरूर। तो लगातार प्रदूषण का सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। 10 गुना प्रदूषण कुछ इलाकों में दिल्ली के बढ़ा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 को पार कर गया है। हम ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं जो 323 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 पहुंच चुका है। देश की राजधानी में जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार खतरे पर पहुंच रहा है, रेड जोन में वो पहुंच चुका है और दम घोटू हवा लगातार लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है वो देश की राजधानी दिल्ली से है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट की पहली तस्वीर है, दूसरी तस्वीर लोधी रोड की है और तीसरी तस्वीर अक्षरधाम की है। आप देखिए फिजाओं में आपको एक धुंधलापन नजर आएगा और ये धुंधलापन जो स्मॉग है वो हर साल दिवाली के बाद आता है। हम लगातार आपको बताते आए हैं पिछले सालों की तुलना भी हम आज यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरह से पिछले सालों की तुलना में ये जो स्मॉग है, ये जो पॉल्यूशन है उसका लेवल कम जरूर हुआ है लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। दम घोटू हवा जो है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, कई और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। दिल्ली और नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, ये तमाम तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली की तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, उसके साथ साथ आगरा, मुरादाबाद और यूपी के अलग अलग हिस्सों से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार सीवियर कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कई कारण हैं जिन पर हर साल मंथन होता है, चाहे पराली की हम बात करते हैं या दूसरे कारणों की बात करते हैं और उन पर सरकारें काम भी करती हैं। पटाखों पर रोक लगाई गई थी लेकिन उस पर लगातार सख्ती भी की गई जिसका असर निश्चित तौर पर ये कहा जाता है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आगरा में इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन के स्तर को लेकर लोगों का क्या कहना है। पॉल्यूशन बहुत ही बेकार और हमारे शहर के लिए सुबह मॉर्निंग टाइम में टहलने के लिए हमारा क्या होता है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और दीपावली पे तो खासकर ये पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि घर घर में लोग परेशान रहते हैं इस चीज़ से। सांस की बीमारियां, दवा बीमारियां, अस्थमा, सांस लेते समय दिक्कत होती है लोगों को। और हमारे ये 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 वाला त्यौहार है ना मिठाइयों का और सफाई के लिए है बस, और लोग लेकिन इसे लोग धुआं में परिवर्तन कर देते हैं, सांस लेने में दिक्कत, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और इससे लोगों को जगह जगह बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे आए देखिए तो भी लेकिन तो भी हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। देखिए पॉल्यूशन के जो कारण हैं बहुत सारे हैं। अब क्या है ना कि जब दिवाली आती है तो उसका जो पूरा ठीक रहा केवल पटाखों के ऊपर फोड़ देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आप एक दिन या दो दिन जो भी पटाखे चलेंगे अगर आप उसको हटा भी दें तो पॉल्यूशन और भी बहुत सी चीजों से हो रहा है। अब मान लो गाड़ियां चल रही हैं, इतने गाड़ियों का इतना पॉल्यूशन होता है, ये हालांकि नियम हो गया है कि साहब इससे ऊपर की ना गाड़ी नहीं होगी या इस कंडीशन में गाड़ी रोड पर नहीं चलेगी, लेकिन बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो पीछे से ना धुआं फेंक रही है। कंस्ट्रक्शन का ना कितना काम होता है उस पर, मतलब ना कुछ पर्दे होते हैं और ना कुछ होता है, रोडों पे कितनी सारी है ना धूल मिट्टी होती है, ना उनकी सफाई होती है और ना कुछ होता है। तो और भी है ना बहुत सारे कारण है पॉल्यूशन के। तो आप लगातार सुन रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, वो किस तरह से पॉल्यूशन से परेशान हैं और लगातार वो इसको फेस कर रहे हैं। हालांकि देखिए हमने देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार में मास्क लगाया हुआ है। मास्क लगाने का एक कारण इस बार कोरोना नहीं है बल्कि पॉल्यूशन है और हर साल दिवाली के बाद हम ये तस्वीर देखते हैं। आप देखिए भीड़भाड़ वाला इलाका है और पॉल्यूशन बढ़ने के कई कारण और हो सकते हैं जिनमें देखिए नीचे अगर मैं दिखाऊं आपको तो एक कूड़े की तस्वीर आपको आनंद विहार में यहां नजर आएगी। और जाहिर है तमाम ऐसे कारण होते हैं, चाहे कूड़ा एकत्रित कर देना किसी जगहों पर या फिर धूल धुआं पटाखे, ऐसे कई कारण जो हैं वो इस पॉल्यूशन के होते हैं। और इस बार हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कंपैरिजन में भले ही पिछली दिवाली की तुलना में ये जो प्रदूषण का स्तर है वो कम है लेकिन इतना कम नहीं हुआ है कि आप सांस आसानी से ले सकें, इसीलिए मैंने ये मास्क लगाया है। और डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं कि आप अगर पॉल्यूटेड जोन में जाते हैं, किसी पॉल्यूटेड इलाके में जाते हैं तो आप मास्क जरूर लगाइए क्योंकि दिल्ली पॉल्यूटेड जोन में है और सबसे जो पॉल्यूटेड इलाका है वो आनंद विहार है। हालांकि फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हम लगातार खबरों पर बने हुए हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।